हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम टू माय चैनल। एंड आज के वीडियो में हमने जो प्रीवियस वीडियो में वीट के ऊपर जो दो वीडियो मैंने वीडियो बनाए हैं, तो उनमें मैंने वीट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो कवर किया। अब लास्ट ये वीडियो है जिसमें कि वीट जो एग्रीकल्चर ऑप्शनल जिसने लिया है UPSC में, तो जो उनका पेपर नंबर वन का सिलेबस है उसमें वीट से रिलेटेड जो भी सिलेबस में पॉइंट्स थे वो दो वीडियो में और इस तीसरे वीडियो में पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। सो मैंने प्रीवियस वीडियो के लास्ट में बताया था वीट मैनेजमेंट, तो आज हम वीट मैनेजमेंट के जितने भी डिफरेंट इंपॉर्टेंट मतलब टर्म्स हैं और जो हम प्रैक्टिसेस यूज़ करते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सो पहला मतलब पॉइंट है कि वीट कंट्रोल। ठीक है, वीट कंट्रोल क्या है? इट इज़ रिफर्स टू दोज एक्शन दैट सीक टू रिस्ट्रिक्ट द स्प्रेड ऑफ वीट्स एंड डिस्ट्रॉय और रिड्यूस देयर पॉपुलेशन इन अ गिवन लोकेशन। मतलब हम ऐसे कुछ एक्शंस या प्रैक्टिसेस या फंक्शंस यूज करते हैं, केमिकल हो सकते हैं, बायोलॉजिकल हो सकते, कल्चर हो सकते, कोई भी मेथड यूज कर रहे हैं जिससे जो स्प्रेड है या फैलाव है वीट का वो कंट्रोल हो रहा है, रिस्ट्रिक्ट हो रहा है या वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं और उनका जो पॉपुलेशन है वो रिड्यूस। सो इसमें फर्स्ट पॉइंट है जो अफेक्ट करता है वीट कंट्रोल को कि हम कौन सा क्रॉप लगा रहे हैं। ठीक है, टाइप ऑफ क्रॉप दैट ग्रोन। सेकेंड पॉइंट्स कि वीट का वीडिंग ऑपरेशंस कब यूज़ कर रहे हैं। इफ़ हम प्रॉपर टाइमिंग पे नहीं एप्लीकेशन मतलब ऑपरेशंस का यूज़ करेंगे सो उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा वीट कंट्रोल मेथड। अगर हम स्टार्टिंग इमरजेंस स्टेज में अगर वीट का कंट्रोल करेंगे तो हम ज़्यादा इफेक्टिव मतलब कंट्रोल मेजर जो यूज़ कर पाएंगे और उसके साथ ही हमारा जो मेजर है जो हमने यूज़ किया है उसके रिजल्ट हमको बहुत अच्छे प्राप्त होंगे। ठीक है, अच्छे मिलेंगे। उसके बाद वीट का क्या मतलब जो वीट प्रॉब्लम है उसका नेचर क्या है। एंड फोर्थ इज़ द मेथड ऑफ वीट कंट्रोल अवेलेबल टू द फार्मर। फार्मर्स के पास कौन कौन से मेथड अवेलेबल है। हर फार्मर ज़रूरी नहीं है कि रिच हो। ठीक है, कुछ फार्मर पुअर होते हैं, कुछ मीडियम स्केल के रहते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा मतलब मार्जिनल रहते हैं, कुछ एकदम अच्छे खासे रिच रहते हैं। तो जो रिच हैं वो हर तरह के जो ऑपरेशंस है मतलब जो कॉस्टली इक्विपमेंट्स है वो परचेस कर सकते हैं, बट जो ऐसे फार्मर्स हैं दे कैन नॉट मतलब परचेस मीन्स क्या बोल सकते हैं उसको, जो कॉस्टली इक्विपमेंट्स हैं या फिर जो अदर केमिकल्स हैं जो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है वो उनको परचेस नहीं कर सकते हैं। सो उनके लिए कल्चरल मेथड और जैसे कि हैंड वीडिंग और कुछ जो वो उनके रेंज में रहे वो यूज़ करेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि फार्मर्स क्या यूज़ कर रहे हैं, कौन से। फिफ्थ पॉइंट जो हमारा वो है टाइप्स ऑफ वीट कंट्रोल। ठीक है, वो कौन से टाइप का वीट कंट्रोल करना है, ब्रॉड लीफ वीट है कि नैरो लीफ वीट है कि कैसे शॉर्ट स्ट्रेचर वीट है कि लॉन्ग स्ट्रेचर वीट है कि कैसे वीट है, मीन वीट का मॉर्फोलॉजी क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम केमिकल्स हैं जो पर्टिकुलर उस वीट के कैरेक्टरिस्टिक के लिए बने हैं मतलब उस वीट के कैरेक्टरिस्टिक को डिस्ट्रॉय करते हैं तो उस टाइप का हम कंट्रोल मेथड यूज़ करेंगे। ठीक, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। इसके अलावा कॉस्ट ऑपरेशन का कितना आ रहा है, हम जो प्रैक्टिसेस यूज़ करेंगे मतलब मैनेजमेंट के लिए तो उसका कॉस्ट कितना आएगा। इसके अलावा अवेलेबल लेबर। ठीक है, लेबर जो लेबर अवेलेबल हैं कि नहीं और हमारे पास क्या रिसोर्सेज हैं कि नहीं। एनवायरमेंटल कंडीशंस भी है जो कि बिफोर ड्यूरिंग एंड आफ्टर मतलब जस्ट एप्लीकेशन के पहले और उसके बाद जो इन्वायरमेंटल कंडीशन वो फेवरेबल हैं कि नहीं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हो जाते हैं। तो ये डिफरेंट जो हैं इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं कंट्रोल के लिए वीट के। ठीक, सो ओके, देन वन मिनट। हाँ, देन एक तो हो गया वीट कंट्रोल जिसमें हम उसको कंट्रोल कर रहे हैं। एक वर्ड होता है वीट का हम प्रिवेंशन करना। ठीक है, वीट को अब हम पढ़ेंगे वीट प्रिवेंशन। सो वीट प्रिवेंशन क्या होता है, दिस इज रिफर्स टू एक्सक्लूजन ऑफ अ पर्टिकुलर वीट प्रॉब्लम। ठीक है, एक्सक्लूजन करना जो सिस्टम है वहाँ से वीट प्रॉब्लम्स को दैट हैज़ नो एक्सपीरियंस दैट वीट प्रॉब्लम, जिसका हम मतलब हमको कभी एक्सपीरियंस नहीं था वीट प्रॉब्लम का, बस हम वहाँ पे क्या करेंगे प्रिवेंट करेंगे। ठीक है, प्रिवेंशन जो प्रैक्टिसेस है वो अप्लाई करेंगे। दोज मेजर्स नेसेसरी टू प्रिवेंट द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू वीट स्पीसीज इन टू अ गिवन जियोग्राफिकल एरिया एज वेल एज द मल्टीप्लीकेशन एंड स्प्रेड ऑफ एग्जिस्टिंग वीट स्पीसीज। मतलब हम क्या प्रिवेंट कर रहे हैं कि अगर वहाँ पर कोई वीट स्पीसीज है तो उसको तो हम प्रिवेंट करेंगे मतलब उसका मल्टीप्लीकेशन तो रुकेंगे, साथ में वहाँ पर कोई न्यू एक्जोटिक वीट स्पीसीज ना, इसके लिए हम जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, हमारे पहला पॉइंट फैलोविंग इंक्लूड होता है,
सेकेंड पॉइंट रहता है आपका प्रिवेंटिंग वीट फ्रॉम द सेटिंग सीड, सीड सेटिंग होने से रोकना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके अलावा है यूज़ ऑफ क्लीन क्रॉप सीड ऑफ प्लांटिंग, हम जब हम किसी भी क्रॉप का सीड ले रहे हैं तो उसको हम देख लें कि उसमें कहीं मिक्सचर तो नहीं है वीट सीड का। तो ये चीज़ें मतलब सीड का जो बोलते हैं ना सीड के डिफरेंट टेस्टिंग जो होती है उस वो प्रोसीजर हमको फॉलो मतलब प्रॉपरली करना चाहिए। फिर क्लीन मशीनरी, कभी कभी मशीनरी जो रहते हैं वो भी सोर्स का काम करते हैं वीड स्प्रेड के लिए। इसके बाद कंट्रोलिंग द मूवमेंट ऑफ लाइफ स्टॉक, जैसे मशीनरी वर्क कर रहे हैं एज अ वेक्टर या फिर मीडिएटर, ऐसे ही जो लाइफ स्टॉक रहते हैं जैसे कि जो एनिमल्स रहते हैं वो भी वर्क करते हैं एज अ मीडिएटर ऑफ द वीड सीड। ओके, देन क्वारंटाइन लॉ हमको फॉलो करने चाहिए जो कि क्या मतलब रेगुलेट करता है एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ डिफरेंट जो प्लांट प्रोडक्ट है या फिर प्रोपोगेशन मटेरियल है सीड है वन कंट्री टू द अनदर कंट्री और ऑल्सो फ्रॉम द वन स्टेट टू द अनदर स्टेट इन इंडिया, ठीक है, या विद इन द स्टेट। ठीक, देन अब वीड इरेडिकेशन क्या है, ठीक है, ये जो वर्ड है दिस इन्वॉल्व कंप्लीट रिमूवल करना, मतलब हम पूरी तरह से इरेडिकेट कर रहे हैं रिमूवल कर रहे हैं वीड का जितने भी वीड है एंड दे आर प्रोपेगुल्स फ्रॉम द हैबिटेट, जो उसके और प्रोपेगुल पार्ट है लाइक स्टेम हो गया, राइजोम्स हो गया, किसी के सीड हैं, किसी का कुछ ट्यूबर है, इस तरह की जो डिफरेंट प्रोपेगुल्स पार्ट है उसको रिमूव करना जो कि सोर्स है फॉर द मल्टीप्लीकेशन ऑफ वीड स्पीसीज, ठीक है, ये चीज़। एंड देन नेक्स्ट इज पॉइंट है इरेडिकेशन इज़ डिफ़िकल्ट टू अचीव इन क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है, ये थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि हम कम्प्लीटली नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते हैं एंड इकोनॉमिकल भी नहीं है क्योंकि इससे पहले जब हमने अपने वीडियो में देखा था तो कहीं ना कहीं हमारे इकोनॉमिकल इम्पॉर्टेंस भी है वीट का क्योंकि कुछ वीट को हम एज अ वेजिटेबल भी लेते हैं जैसे कि चिनोपोडियसी जो वीट रहते हैं फैमिली के कुछ वीट रहते हैं उसको एज अ हम साग भाजी इस टाइप का यूज़ करते हैं, ठीक, वेजिटेबल फॉर्म में। इसके अलावा हाउ एवर इन सिचुएशन वेयर वीट प्रॉब्लम बिकम सो ओवरवेलमिंग इरेडिकेशन में बी डिसायरेबल इज़ लॉन्ग टर्म गोल, ठीक है, जैसे कि स्ट्रिगा है या फिर स्ट्रिगा हारमोन थीका ऐसे कुछ स्ट्रिगर्स के स्पीसीज हैं उनके लिए, ठीक है, ये चीज़। और इरिडिकेशन जो रहता है इसमें क्या क्या कंसाइडरेटेड रहता है, मे बी कंसाइडरेटेड जब क्या होगा कि अदर वीट कंट्रोल मेथड इनफेक्टिव रहेगा तब हम फिर ये वाला मेथड यूज़ करेंगे कि पूरा ही जला कर नष्ट कर देंगे इरेडिकेट कर देंगे, ठीक है, वीड को। इसके बाद वीड है मैनी बरीड सीड दैट कैन नॉट बी कंट्रोल बाय द कन्वेंशनल प्रैक्टिसेस, मतलब हम उसको डिफरेंट जो हमारे इंटीग्रेटेड मेथड उससे जब कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो लास्टली हम ये मेथड अप्लाई करेंगे कि इरेडिकेट करेंगे, ठीक है, उससे पहले हम जो हमारे पास और अवेलेबल मेथड्स हैं उसको यूज़ करेंगे। इसके बाद दिस द इन्फेस्टेड फील्ड इज स्मॉल, जब जो फील्ड है वो स्मॉल है तब हम इरेडिकेट कर सकते हैं, बट अगर हम लार्ज हेक्टेयर्स में और उससे ज़्यादा बड़े फील्ड की बात करेंगे तो हम कम्प्लीटली इरेडिकेट नहीं कर सकते हैं। देन बेनिफिट्स फ्रॉम द इरेडिकेशन ओवर आउटवेट दोज ऑफ द अल्टरनेट मेथड फॉर द क्रॉपिंग विद द वीड, ये चीज़ें। ओके, देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मेथड, जो मेन हमारा पॉइंट है कि मेथड ऑफ वीड कंट्रोल, ठीक है, क्या क्या मेथड्स हैं वीड कंट्रोल के। फर्स्ट मेथड जो रहता है दैट इज़ द कल्चरल मेथड, नेक्स्ट मेथड इज बायोलॉजिकल मेथड, देन इज केमिकल मेथड एंड देन इंटीग्रेटेड मेथड, ठीक है। तो कल्चरल मेथड में क्या है हम पढ़ते हैं, कल्चरल मेथड हम नाम से ही क्लियर है कि कल्चरल जो कल्चरल वीट मैनेजमेंट रहता है इज डिफाइंड एज एनी प्रैक्टिसेस और एफर्ट्स दैट इज अडॉप्टेड बाय द फार्मर इन अ क्रॉप प्रोडक्शन विच मिनिमाइज वीट इंटरफेरेंस प्रॉब्लम बट सच मेथड्स आर नॉट नेसेसरली डायरेक्टेड और एम्ड एट अ वीट कंट्रोल। जब हम जैसे कि जो भी इंटरकल्चरल जो मेथड्स यूज करते हैं, ठीक है, मीन्स हम उसमें कोई केमिकल यूज़ नहीं कर रहे, कोई फिजिकल मेथड यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक, अगर हम बस क्रॉप रोटेशन कर रहे हैं, मतलब जो इस टाइप के मेथड रहते हैं ना डीप लॉगिंग तो फिजिकल मेथड आ जाएगा, क्रॉपिंग सिस्टम अपनाना या फिर जो हम बिसाई करके सप्रेस कर देते हैं कई बार, ठीक है, पैदों से पडलिंग करते हैं राइस के फील्ड में ताकि वीट का इमरजेंस ना हो, तो इस टाइप का जब मेथड यूज़ करते हैं ना तो वो कल्चरल मेथड में आता है, ठीक है, जिसका हम उसको इसीलिए डायरेक्टली मतलब नहीं करते कि वीट कंट्रोल ही करना है, हम जनरली वो प्रैक्टिसेस अपनाते ही हैं फील्ड्स में। ओके, देन क्या क्या है कल्चरल मेथड्स में, हैंड वीडिंग कर रहे हैं
ठीक है, मैन्युअली कर रहे हैं, अपने हैंड से कर रहे हैं। इसमें ना हम कोई इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हैं, ना केमिकल यूज़ कर रहे हैं, ना फिजिकल कंट्रोल मेथड यूज़ कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट है हैंड वीडिंग। इसके बाद है फिर मैकेनिकल वीडिंग्स में क्या होता है कि कभी कभी हम जो एनिमल ड्रॉन वीडर है ना, या मशीन पावर वीडर, उसका यूज़ करते हैं। बट इसको भी मतलब ह्यूमंस की हेल्प से हम लेकर हम इस वीट कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो ये कल्चर में आ गया। इसके अलावा होता है मल्चिंग, मतलब हम मल्चिंग इज टू से कि ब्लैक पॉलीथीन या सिल्वर पॉलीथीन, इस तरह का पॉलीथीन, या फिर पैरा स्ट्रॉ रहता है, पैडी स्ट्रॉ, इसको हम क्रॉप, अगर हमने वेजिटेबल लगाया, कोई भी ऐसे क्रॉप लगाया, तो उसके ऊपर एक लेयर लगा देते हैं जब हम सीड का सोइंग करते हैं, ताकि एक तो ट्रांसपिरेशन लॉस रोकेगा, ठीक है, सॉइल सरफेस से। उसके अलावा वीट जो रहेगा वो इमरजेंसी नहीं हो पाएंगे, वो सप्रेस हो जाएंगी बिकॉज ऑफ द पॉलीथीन की लेयर जो रहेगी वो वीट का ग्रो होने से बिल्कुल रोक देगी। तो मल्चिंग बहुत। और नेक्स्ट इज द टीलेज। टीलेज प्रैक्टिसेस भी अपनाते हैं, जिसमें कि सॉइल की हार्ड पैन लेयर रहती है उसको हम ब्रेक करते हैं। डिफरेंट टीलेज प्रैक्टिसेस हम यूज़ करते हैं, जिससे कि हम कंट्रोल कर सकते हैं वीड इमर्जेंस को। बर्निंग प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं, फ्लडिंग वाटर मतलब एक्सेस मात्रा में फील्ड में छोड़कर हम ग्रोथ को मतलब वीट की भी जड़ें जब हम एक्सेस वाटर देंगे तो सड़ने लगेंगी, तो वीट का जो अगर उसकी जड़ें ही सड़ जाएंगी तो ऊपर का पोर्शन ऑब्वियसली मतलब सूख के पूरा ड्राई होके गिर जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हम सोइंग या प्लांटिंग टाइम जो रहता है, और जो क्रॉप का प्लांटिंग टाइम है, उसको जो हम स्पैटियल मैनेजमेंट करके कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, ये कल्चरल की बात हो रही है। क्रॉप जीनोटाइप चॉइस, अच्छे क्रॉप मतलब ऐसे कुछ डिफरेंट वैरायटी का चूज़ करें जो वीड के साथ कॉम्पीट अच्छे से कर पाए। ऐसे मतलब जो हमारे पास जो अवेलेबल रेजिस्टेंट वैरायटी और बहुत तरह की वैरायटीज रहती है ना, तो अपने हिसाब से हम मतलब अच्छी वैरायटीज़ का सिलेक्शन करें। ठीक है, क्रॉप कवर लिव जो मतलब लाइव मल्च रहते हैं ना, जो पैडी स्ट्रॉ यूज़ कर सकते हैं, ये सब जो रहते हैं लाइव मल्च रहते हैं, इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कवर क्रॉप्स, हाँ पैडी स्ट्रॉ तो है ही ऑर्गेनिक मल्च, लाइविंग मतलब लिविंग मल्च मीन्स टू से जो कवर क्रॉप रहते हैं ना, जैसे लेग्यूमिनसी, जैसे काउपी, ये सब, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या करते हैं मतलब सॉइल सरफेस को कवर करते हुए ग्रो करते हैं। ठीक है, तो सॉइल इरोजन को तो कंट्रोल कर रहे, साथ ही साथ वीट का भी ये जो इमरजेंसी है उसको भी कंट्रोल करेंगे। इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं, तो वहाँ पे जहाँ पे वीड आ रहा था वहाँ पे हम अपनी चॉइस का इंटरक्रॉप लगाएंगे, तो वीड कंट्रोल हम इससे भी कर सकते हैं। और प्रॉपर फर्टिलाइजेशन जो है यूज़ कर सकते हैं, जो कि कंट्रोल करता है वीड। ठीक, तो ये कल्चरल प्रैक्टिसेस है, तो ये जो है इंपॉर्टेंट कल्चरल प्रैक्टिस है, आप इसको पॉइंट आउट कर सकते हैं। और इसके बारे में जो मैंने बताया उसको आप चाहें तो 1 लाइन लिख भी सकते हैं। उसके बाद होता है सेकेंड पॉइंट है बायोलॉजिकल वीड कंट्रोल। ओके सॉरी, बायोलॉजिकल वीड कंट्रोल। तो बायोलॉजिकल जब करते हैं तो बायोलॉजिकल में क्या होता है कि रिफर्स टू द यूज़ ऑफ बायोलॉजिकल एजेंट। हम लोग एजेंट्स का यूज़ करते हैं जो बायोलॉजिकल हमारे पास प्रेजेंट हैं एनवायरनमेंट में, जैसे कि पेस्ट यूज़ करते हैं, प्रेडेटर यूज़ करते हैं, क्या क्या यूज़ करते हैं, पेस्ट, प्रेडेटर, पैथोजन एंड पैरासाइट्स जो हैं कंट्रोल टू द वीड। इट इन्वॉल्व द कंट्रोल ऑफ और सप्रेशन ऑफ द वीट थ्रू द एक्शन ऑफ वन और मोर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एक या एक से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म का एक्शन होता है और वो वीट को कंट्रोल कर रहे हैं। ये ऑर्गेनिज्म रहते हैं लिविंग रहते हैं, और क्या क्या हो सकते हैं, पेस्ट हो सकते हैं, प्रेडेटर हो सकते हैं, पैथोजन हो सकते हैं, पैरासाइट्स हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ये जो रहता है ऑर्गेनिज्म नेचुरली भी करते हैं, और इनका हम क्या करते हैं मैनिपुलेशन कराते हैं, जिससे कि क्या होता है वीट को ये कंट्रोल करते हैं। और ये ऑर्गेनिज्म एनवायरमेंटल में नेचुरल रूप से पाए जाते हैं, और इसका हम जो आर्टिफिशियली भी मैनिपुलेशन या मल्टीप्लिकेशन करा सकते हैं लैब कंडीशंस में। इन्वॉल्व क्या क्या रहता है इसमें, कंट्रोल ऑफ वीड विथ वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स, जैसे कि माइक्रोबियल वीड कंट्रोल बोलेंगे इसको, जब हम लोग क्या करेंगे वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स का यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज द प्लांट पैथोजन, जो उसको बोलेंगे माइक्रोबियल वीट कंट्रोल, ये भी है जब हम लोग प्लांट पैथोजन जो माइक्रोब्स ऑर्गेनिज्म रहते हैं उसका यूज़ करेंगे। लाइव मल्च क्या होता है, आप देखिए लाइव मल्च इज द क्रॉप प्रोडक्शन सिस्टम इन विच अ फूड क्रॉप इज प्लांटेड डायरेक्टली इन द लिविंग क्रॉप ऑफ एन एस्टेब्लिश्ड कवर विदाउट डिस्ट्रक्शन ऑफ फैलो, मतलब ठीक है कवर क्रॉप वेजिटेशन, मैंने इससे पहले बता चुका है कि कवर क्रॉप क्या है, एग्जाम्पल भी दिया आपको। इसके बाद पेरेनियल लेग्यूम, जैसे कि मैंने बताया तो लेग्यूम्स का यूज़ करते हैं क्योंकि उनमें वो हैबिट्स पाया जाता है कि बहुत ही मात्रा में वो लार्ज होकर पूरे सॉइल सरफेस को कवर करते हुए बढ़ते हैं, एग्जाम्पल्स आप ये ले सकते हैं। ठीक है, देन हैव बीन एवोल्यूटेड एंड फाउंड सुटेबल एज ए लाइव मल्च।
एलोलोपैथी क्या है ये मैंने इससे पहले बताया था, लेकिन आप एग्जांपल देख लीजिए कि किस प्लांट, नेक्स्ट आप मेरे प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो मैंने एलोलोपैथी डिफाइन कर दिया। तो हम जो चीज़ें पहले वीडियो में कर चुके हैं उसे इस वीडियो में नहीं करते, हमारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो इस वीडियो में कवर करेंगे। सो एग्जाम्पल्स किसमें किसमें, ब्लैक जो वॉलनट रहता है ना उसमें है, ठीक। इसके बाद जेमिलिना अर्बोरिया में, सोरघम में, उसके बाद कैसूर रिया सॉरी काशू काशोरीना में, ठीक है। उसके बाद लैंटाना में, ठीक। इम्पेराटा सेलेंड्रिका इज अ एलोपैथिक ऑन टोमेटो, कुकुम्बर, मेज, राइस, ठीक, ओलेरा, काउपी, पेपर, ठीक। इसके अलावा साइप्रस एस्कुलेंटस इज एलोपैथिक एज राइस एंड मेज के लिए, मतलब कुछ ऐसे मैं बता देती हूँ जनरल वर्ड में, कुछ ऐसे केमिकल्स सिक्रीट करते हैं जो कि जो उनके साथ जो क्रॉप लगे हैं ना उसके जो जर्मिनेशन है या फिर ग्रोथ को इनिबिट कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें और साथ में जिसके साथ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनका भी ग्रोथ इनिबिट कर देते हैं, जो जिस प्लांट से वो एलोपैथिक केमिकल जो है वो सिक्रीट होते हैं वो वाले प्लांट, ठीक है। नाउ केमिकल कंट्रोल, दैट इज द थर्ड पॉइंट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट। केमिकल मतलब नाम से ही हम केमिकल्स यूज करेंगे, ठीक है। मतलब केमिकल दैट आर यूज फॉर द किलिंग वीड्स और सप्रेस द प्लांट ग्रोथ आर कॉल्ड हर्बिसाइड, ठीक है। जो ऐसे केमिकल जो वीट को कंट्रोल करने के लिए होते हैं उसको हर्बिसाइड बोलते हैं। और द प्रैक्टिस ऑफ किलिंग द अंडर अनडिजायरेबल वेजिटेशन दैट इज द वीड विथ हर्बिसाइड इज कॉल्ड केमिकल वीट कंट्रोल। इट इज़ अ सिंपल, कोई समझाने की इतनी नीड नहीं है इसमें। फिर हिस्ट्री है कुछ केमिकल वीट कंट्रोल की, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए आप इसे वीडियो केमिकल वीट कंट्रोल, ओके। सो केमिकल वीट कंट्रोल बेसिकली क्या है, देयर आर वेरियस फैक्टर दैट मेड केमिकल वीट कंट्रोल पॉपुलर देन द मैनुअल एंड मैकेनिकल वीडिंग, ठीक। कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक हैं मतलब जिसके कारण केमिकल मेथड ज़्यादा फेमस है, क्योंकि क्विक एक्शन दिखाता है और बहुत जल्दी कंट्रोल कर रहे हैं वीट का। सो क्या होता है कि लेस ड्यूरी इन केमिकल कंट्रोल देन इन कल्चरल मेथड ऑफ वीट कंट्रोल, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा जो कल्चरल मेथड है उसमें उसकी अपेक्षा जो लेस इसमें क्या रहता है, ड्यू जेरी रहती है, ठीक है। इसके अलावा प्री इमरजेंस एप्लीकेशन ऑफ हर्बिसाइड प्रोटेक्ट क्रॉप फ्रॉम द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द अर्ली वीट कॉम्पिटिशन, हम लोग इमरजेंस के पहले ही एप्लीकेशन करते हैं, तो जो प्री इमरजेंस एप्लीकेशन क्या करता है, प्रोटेक्ट कर रहा है हमारे जो वीट कॉम्पिटिशन होने वाला रहता है ना इमरजेंस के बाद क्रॉप के साथ। तो अगर हम प्री इमरजेंस एप्लीकेशन कर रहे हैं तो उससे हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपने क्रॉप को। फील्ड लेबर डिमांड इज लोअर देन इन मैनुअल एंड मैकेनिकल कंट्रोल, लेबर्स की कम रिक्वायरमेंट हो जाती है। देन फास्टर फास्टर है क्योंकि क्विक एक्शन कर रहे हैं एज कम्पेयर टू मैनुअल एंड कल्चरल वीट कंट्रोल मेथड से। मोर इफेक्टिव है अगेंस्ट द किसके लिए, पेरिनियल वीड्स के लिए अदर देन मेथड्स ऑफ वीट कंट्रोल, ठीक है। इसके अलावा ये जो इंपॉर्टेंट फीचर्स थे जिसके कारण ज़्यादा फेमस है। उसके बाद कुछ लिमिटेशन है, एक लिमिट तक ही हम एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो वॉट आर द लिमिटेशन उसको देखते हैं हम। वीट बिकम रेजिस्टेंट ड्यू टू द प्रोलॉन्ग्ड एंड कॉन्स्टेंट यूज ऑफ गिवन हर्बिसाइड, ठीक है। बार बार हम अगर एकदम लंबे समय तक एप्लीकेशन करेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जब वीट के अंदर उस मीन्स जो हर्बिसाइड है उसके लिए रेजिस्टेंट आ जाएगा और वो उसके लिए कोई रिस्पॉन्स वो नहीं करेगा और वो उस हर्बिसाइड से देन कंट्रोल नहीं होगा, ठीक है। तो हम एक लिमिटेड मात्रा में ही उसको अप्लाई कर सकते हैं। देन क्या होगा, सडनली ड्राई स्पेल में कॉज फेलियर ऑफ प्री इमरजेंस हर्बिसाइड, सडनली अगर ड्राई स्पेल आ जाएगा ना, सूखा की कंडीशन आ जाएगी तो फेल हो जाएगा जो हम लोग प्री इमरजेंस जो हर्बिसाइड का एप्लीकेशन कर रहे हैं उस वो, ठीक है। उसके बाद होती है क्रॉप इंजुरी एज अ रिजल्ट ऑफ पुअर स्प्रेयर कैलिब्रेशन और रॉन्ग डोसेस कैलकुलेशन, फॉल्टी इक्विपमेंट्स हैं, अगर हम लोग फेलियर कर रहे हैं, फॉलो नहीं कर रहे डायरेक्शंस जो दिए गए हैं उसमें एप्लीकेशन के, या प्रॉपर हम लोग कंसंट्रेशन यूज़ नहीं कर रहे हैं, इक्विपमेंट्स अच्छे नहीं हैं, प्रॉपर कंसंट्रेशन नहीं यूज़ कर रहे हैं, मशीन जो स्प्रेयर्स हैं वो प्रॉपरली कैलिब्रेटेड नहीं है, तो जो हमारा रिजल्ट है वो सही नहीं आएगा। देन देयर कुड बी साइड इफेक्ट ऑन द एप्लीकेटर, स्पेशल स्किल आर नीडेड फॉर इफेक्टिव हर्बिसाइड यूज, ठीक है। सम इफेक्टिव मतलब इफेक्टिवनेस के लिए हमको स्पेशल नीड मतलब सही एप्लीकेशन करने वाला एक पर्सन चाहिए जो इसको पता है कि किस तरह से स्प्रे करना है, ठीक है। इसके बाद होता है हर्बिसाइड यूज इज लिमिटेड अंडर मल्टीपल क्रॉपिंग, ठीक है। मल्टीपल क्रॉपिंग में भी लिमिटेड यूज करना है। केमिकल वीट कंट्रोल रिक्वायर स्पेशल इक्विपमेंट विच मे नॉट बी यूजफुल फॉर द अदर ऑपरेशन ऑन द फार्म,
केमिकल के लिए हमको स्पेशल जो क्या बोलना चाहिए इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है एप्लीकेशन के लिए, जो हमको अदर जो मेथड्स है उसमें यूज़ नहीं होते। अब हर्बिसाइड जो हम केमिकल में हम लोग बेसिकली हर्बिसाइड का यूज़ कर रहे हैं, तो कैसे उसकी क्लासिफिकेशन है, ठीक है। पहला है टाइम ऑफ एप्लीकेशन की व्हेन अप्लाइड कर रहे हैं, इसके बाद होता है कि वेयर अप्लाइड, ओके। देन है कि बेस्ड ऑन हर्बिसिटी मूवमेंट कर रहा है, मतलब हाउ दे मूव इन प्लांट, ठीक। देन उसकी सेलेक्टिविटी क्या है, किस टाइप के प्लांट्स को वो किल कर रहा है, और उसकी केमिकल स्ट्रक्चर मतलब केमिस्ट्री क्या है उस हर्बिसाइड की, और उसका जो फिजियोलॉजिकल रिएक्शन एक्शन क्या आ रहा है प्लांट के ऊपर। तो दीज आर द पॉइंट्स जिसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन है हर्बिसाइड्स का, ओके। देन इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट, ये क्या होता है, ये वर्ड जो है रिफर टू द सिस्टम ऑफ कंबाइनिंग दो या दो से ज़्यादा जो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेज है, जैसे कि हम लोग कल्चरल भी कर रहे हैं साथ में हम लोग फिजिकल मेथड ले रहे हैं, या हम कल्चरल कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं मैकेनिकल मेथड यूज़ कर रहे हैं, या फिर हम केमिकल और फिजिकल ले रहे हैं, ठीक। ऐसे दो का कॉम्बिनेशन अगर ले रहे हैं, दो से ज़्यादा का कॉम्बिनेशन ले रहे हैं वीड मैनेजमेंट जो डिफरेंट प्रैक्टिसेज हैं, सो क्या होगा, एट लोअर इनपुट लेवल टू कीप वीड इंटरफेरेंस इन अ गिवन क्रॉपिंग सिस्टम बिलो इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल, मतलब वीड रहेगा तो हम पूरी तरीके से उसको इरेडिकेट नहीं कर सक रहे हैं, बट इस लेवल तक वीड रहे कि वो हमारे इकोनॉमिकली मतलब क्रॉप को, क्रॉप की जो वैल्यू है ना इकोनॉमिक वैल्यू, उसको डैमेज ना करे, ठीक। इट कम्बाइंस टू अ मोर वीड मैनेजमेंट सिस्टम एट लो इनपुट टू ऑब्टेन अ लेवल ऑफ वीड सेपरेशन सुपीरियर टू दैट ऑर्डिनरी ऑब्टेन वैन वन वीड मैनेजमेंट सिस्टम इज यूज, मतलब अगर हम मतलब मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस यूज करेंगे तो इतना इफेक्टिव नहीं रहेगा, अगर हम उनका दो या दो से अधिक मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस का कॉम्बिनेशन यूज करेंगे लोअर इनपुट रेंज पे। इसके अलावा इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट में कॉम्बिनेशन ऑफ कल्चरल प्लस केमिकल, मैंने जो बताया कल्चरल प्लस केमिकल हो सकता है, कल्चरल प्लस बायोलॉजिकल हो सकता है, कल्चरल प्लस प्रिवेंटिव हो सकता है, बायोलॉजिकल प्लस केमिकल हो सकता है, और देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन, हम अपने अकॉर्डिंग उसको मैट कर सकते हैं, ठीक है। क्या फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं वो देख लेते हैं। पहला पॉइंट है इनएबिलिटी ऑफ एनी वन मेथड ऑफ वीट कंट्रोल टू कम्प्लीटली सॉल्व द वीट प्रॉब्लम, कोई एक मेथड ऐसा नहीं बोल सकते जो कम्प्लीटली सॉल्व करेगा, उनके कॉम्बिनेशन हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा टेंडेंसी ऑफ वीट टू अडॉप्ट अ गिवन क्रॉपिंग सिस्टम एंड दस स्कैप कंट्रोल, उनके पास ऐसी टेंडेंसी रहती है कि इतने अडॉप्टिव नेचर के रहते हैं कि जो हम कंट्रोल मेजर यूज करते हैं ना कई बार वो स्कैप हो जाता है। इसके बाद है थर्ड पॉइंट एबिलिटी ऑफ वीट टू डेवलप रेजिस्टेंट, जैसे हमने बोला अगर हम प्रोलॉन्ग टाइम तक एप्लीकेशन कर रहे हैं हर्बिसाइड का, तो एक टाइम आएगा जब उनके जो वीड है उनमें क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंट आएगा किसके लिए, हर्बिसाइड के लिए। देन टेंडेंसी ऑफ सर्टेन क्रॉपिंग सिस्टम टू फेवर द डोमिनेंस ऑफ स्पेसिफिक वीट, ठीक है। कुछ जो सर्टेन क्रॉपिंग सिस्टम रहते हैं वो क्या करते हैं, फेवर कर देते हैं जो वीट के, वीट को, और वीट क्या हो जाते हैं हमारे क्रॉप के कंपैरिजन में डोमिनेंट हो जाते हैं, और हमारा जो मेन क्रॉप रहता है वो हो जाता है, रेसेसिव हो जाता है। सीजनल फ्लक्चुएशन इन लेबर अवेलेबिलिटी, हर सीजन में हमको लेबर की अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती है। देन नेक्स्ट इज द रिडक्शन इन एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हाजार्ड, ये पॉइंट, ठीक है। अब हर्बिसाइड के कुछ हम नाम देख लेते हैं। जो हर्बिसाइड रहता है यूज इन वीट कंट्रोल हैज बीन द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन अ वर्ल्ड एग्रीकल्चर बिकॉज इट डिस्ट्रॉय वीड ऑन अ लार्ज स्केल एदर बिफोर और एट इमरजेंस, या तो इमरजेंस के बाद या इमरजेंस के पहले कंट्रोल करता है ऑफ क्रॉप विदाउट डिस्टर्बिंग द मेन क्रॉप और सॉइल ऑफ फार्म फार्मर, डोंट डिपेंड हैविली ऑन ह्यूमेंस लेबर, ठीक है। ज़्यादा ह्यूमेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है इसमें, बोल रहे हैं सॉइल को हमारे अफेक्ट नहीं कर रहे, हमारे मेन क्रॉप को अफेक्ट नहीं कर रहा है, इमरजेंस के पहले भी एप्लीकेशन कर सकते हैं, आफ्टर द इमरजेंस ऑल्सो एप्लीकेशन। वीट किलर्स कंसिस्ट ऑफ इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड बायोलॉजिकल हर्बिसाइड, ठीक है, तीनों तरह के हैं यहाँ पे। तो इनऑर्गेनिक क्या है, एग्जाम्पल आप नोट कर सकते हैं, अमोनियम सल्फेट है, अमोनियम थायोसाइनेट है, सोडियम बोरेट, सल्फ्यूरिक एसिड है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। देन ऑर्गेनिक में है कि जैसे कि 200 ऑर्गेनिक हर्बिसाइड हम वर्ल्ड एग्रीकल्चर में आइडेंटिफाई हैं आज की डेट तक, ठीक है। तो इसमें क्या क्या है, आप जन मेन मेन पॉइंट्स हम देख लेते हैं क्योंकि इतना इसको डीप में पढ़ना ज़रूरी नहीं है हमको। इंटीग्रेटेड पेस्ट मतलब जो वीड, सॉरी इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट देखना था, तो उसमें क्या क्या आ रहा था हमने देख लिया, कल्चरल मेथड देखे हमने, हमने मतलब बायोलॉजिकल मेथड देखे, केमिकल मेथड देखे, दैट हमने इंटीग्रेटेड मतलब पेस्ट वीड मैनेजमेंट क्या होता है वो भी देखा, ठीक। तो अब ये जो है ऑयल होता है पहला,
जो एज अ ऑर्गेनिक हम यूज़ करते हैं, जैसे कि जो पेट्रोलियम ऑयल्स रहता है वो बेसिकली यूज़ करते हैं, फाइटोटॉक्सिक ऑयल रहते हैं जो कि क्या करते हैं, किल करते हैं प्लांट्स बाय द सोल्यूबलाइजिंग सेल वॉल, सेल वॉल को सोल्यूबलाइज कर देता है, दिस कॉज सेल टू डिसइंटीग्रेट। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, नॉन फाइटोटॉक्सिक ऑयल होते हैं, दिस ये क्या करते हैं, ये जो रहते हैं लाइट नॉन हर्बिसाइडल ऑयल्स रहते हैं जो कि क्या करते हैं, एडेड टू हर्बिसाइड टू इनहेंस देयर एक्टिविटी, ऐड किया जाता है एक्टिविटी जो रहती है हर्बिसाइड की उसको बढ़ाने के लिए। ठीक है, इतना ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इससे ज़्यादा अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ठीक है, ये जो नेम है सब ये मैं आपको जस्ट दिखा देती हूँ। देन इफेक्टिवनेस ऑफ हर्बिसाइड कैन बी मॉडिफाइड, कैसे उसको इफेक्टिवनेस जो है उसको किस तरह से मॉडिफाइड हम कर सकते हैं। सो हम इन्वायरमेंटल जो रहता है वो इन्वायरमेंट के द्वारा स्टेज जो है मैच्योरिटी ऑफ टारगेट प्लांट या प्लांट के टाइप, प्लांट का जो पार्ट है हमने स्प्रे किया जिसपे, ठीक है, हाउ हर्बिसाइड मूव, किस तरह से उसका ट्रांसलोकेशन है प्लांट्स में विद इन द प्लांट, एंड कंसंट्रेशन जो रहता है हर्बिसाइड का, मेथड ऑफ एप्लीकेशन, अगर हम इन चीज़ों का बेसिकली फोकस करें इन चीज़ों पे तो हम इफेक्टिवनेस जो रहता है उसको मॉडिफाइड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। हर्बिसाइड आर नेम्ड इन थ्री मेजर ग्रुप, उनका क्या क्या हम मतलब अगर पढ़ेंगे तो हम उनका पहले कॉमन नेम जानते हैं, देन उनका ट्रेड नेम हमको पता रहना चाहिए, एंड देन हमको उनका केमिकल क्या क्या कंटेन है उसमें, मतलब केमिकल फार्मूला के साथ और स्ट्रक्चरल फार्मूला। ठीक है, इसके अलावा कुछ टर्म्स रहते हैं जैसे कि एजुवेंट्स क्या होता है, दिस इज एनी सब्सटेंट इन हर्बिसाइड, हर्बिसाइड जो फॉर्मेशन रहता है उनमें ऐसा सब्सटेंट रहता है या एडेड टू स्प्रे टैंक और इम्प्रूव हर्बिसाइड एक्टिविटी। ठीक है, या एप्लीकेशन कैरेक्टरिस्टिक मीन्स सिंपल वर्ड में हर्बिसाइड की एक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए हम जो मटेरियल ऐड कर रहे हैं उसको हम एजुवेंट्स बोलेंगे। उसके बाद कैरियर, अ सब्सटेंट जैसे कि गैस हो सकता है या लिक्विड हो सकती है, सॉलिड यूज्ड टू डाइल्यूट और सस्पेंड अ हर्बिसाइड ड्यूरिंग इट्स एप्लीकेशन, हमको एप्लीकेशन करना है तो हम उसको वाटर में डाइल्यूट करते हैं तो वाटर एज अ कैरियर वर्क कर रहा है हमारे लिए। उसके अलावा होता है सर्फेक्टेंस, ये क्या करते हैं, दिस इज अ मटेरियल विच इम्प्रूव द इमल्सिफाइंग या फिर डिस्पर्सिंग स्प्रेडिंग वेटिंग और अदर सरफेस मॉडिफाइंग प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स। ठीक है, हमने एप्लीकेशन किया प्लांट में तो वो अगर प्लांट पे मतलब रहेगा थोड़े टाइम तक तभी वो क्या होगा, ट्रांसलोकेट होगा प्लांट के डिफरेंट प्लांट पार्ट्स में। सो सरफेक्टेंस जो रहता है ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ठीक, तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मतलब जो बताने लायक था इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट में वो ये पॉइंट्स थे। इसके अलावा मैंने जो बीच बीच में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बताया आप उसको वीडियो पॉज करके रीड कर सकते हैं, इफ़ आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं, बट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने डील कर दिए। सो ये पूरा वीड मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी टॉपिक था ये तीन वीडियो में मैंने कवर अप कर दिया। इसके अलावा अगर आपको लगती है कुछ कमी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट जो वीडियो में मैं नेक्स्ट टॉपिक जो है पेपर वन या पेपर टू किसी भी पेपर में से एक टॉपिक मैं कवर करूँगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।